तीन तलाक का तो हम समर्थन करते हैं और पार्लियामेंट में हम हैं नहीं, हम समझते हैं महागठबंधन के लोग तो अभी शेप नहीं लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी तीन तलाक के मुद्दे पर लोग समर्थन की स्थिति में हैं, लेकिन उसमें कुछ क्लॉज ऐसे हैं, उस क्लॉज को और सिंप्लीफाइज करना चाहते हैं, उस आधार पर हो सकता है लोग विरोध करें, लेकिन बाई एंड लार्ज तीन तलाक का जो अध्यादेश या कानून बनने वाला है उसका हम व्यक्तिगत रूप में समर्थन करते हैं। देखिए, जो काम नहीं करता है विकास का काम या सामाजिक न्याय का काम, तो इसी प्रकार से जातीय रंग दे करके धार्मिक उन्माद फैला करके बिहार और हिंदुस्तान की जनता को भरमा करके वोट लेना चाहता है, और ख़ास करके योगी आदित्यनाथ का की जो पार्टी है उनका इसी में विश्वास है, क्योंकि उनकी सरकार पौने पाँच बरस गुजार दिया, अभी तक के कोई वैसी कार्रवाई नहीं हुई है, तो अब जनता के सामने जाने के लिए क्या उपाय है? एक ही उपाय है कि हनुमान जी को कह देंगे कि ये है मंदिर, हम फलना समय बना देंगे, या फलना जात का ही इस देश में रहना है, बाकी दूसरा जात दूसरे चल जाए देश में, यही सब इस ने धर्म का धार्मिकता उन्माद फैला करके ऐसा हिंदुस्तान के लोग से वोट लेते रहे हैं और फिर वही चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता और हिंदुस्तान की जनता इनके इस फरेब को समझ गई है, 2019 में अपना मन बना लिया है कि किसी भी परिस्थिति में एनडीए की सरकार बिहार और हिंदुस्तान में नहीं आ रहे। अब देखिए, हम हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और वो हैं प्रांतीय अध्यक्ष, सबको बोलने का अधिकार है, अगर वो बोले तो अपना माने से कुछ बोले होंगे, लेकिन हम इसमें यही कहना चाहते हैं कि जब तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग के बारे में कोई वार्ता नहीं होती है तब तक कोई बात कहना उचित नहीं है, और हर लोग सम्मानजनक सीट चाहेगा ही, लेकिन बिना बैठक हुए बिना बात हुए अगर कोई कहते हैं तो मानिए है। इसलिए जो मीडिया में बातें आती है उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब यही है कि 14 जनवरी के बाद खरमास व्यतीत होने के बाद आप देखिएगा कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग एमिकेबली हो जाएगा और कहीं कोई धन ये नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि हम लोग 2019 में महागठबंधन की सरकार दिल्ली में बनाना चाहते हैं और एनडीए की सरकार को अपदस्थ करना चाहते हैं। गठबंधन मजबूत हुआ है उनके आने से, महागठबंधन जो हम लोगों का है उनके आने से मजबूत होगा। हमारा उसमें तो लक्ष्य ये है कि अगर इस महागठबंधन में एनडीए सरकार को हटाने के लिए एक वोट भी कहीं से जुटता है तो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। और जहाँ तक कुशवाहा जी का सवाल है, भाई राज्य मंत्री रहे हैं सरकार के, एक पार्टी चला रहे हैं, तो उनके आने से हम लोग को फायदा है। रही बात कि अगर चार रोटी है और चार आदमी हम लोग खा रहे थे या खाएंगे, अगर पांचवा आते हैं तो सबको सेक्रीफाइस करना होगा उसके लिए, इसलिए उसमें सिर्फ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का ही बात क्या आती है, सभी लोग उसके लिए हम लोग तैयार हैं, आपस में एडजस्टमेंट कर लेंगे और हर तरह से हम लोग एनडीए को शिकस्त देंगे। बहुत पहले कहा है कि 20 सीटों पर हमारी तैयारी पूरी है, हम वहाँ पर मदद भी कर सकते हैं, चुनाव भी लड़ सकते हैं, इसका कतई मतलब नहीं लगाना चाहिए कि हमारा डिमांड 20 सीट का है। हम तैयारी कर चुके, हमारी पार्टी अभी नई पार्टी है और साधन विहीन पार्टी है, मेरा कहने का मतलब हमारी तैयारी सब जगह है 20 सीटों पर, अब एकदम अगर सीट मिले वहाँ पर जो भी मिले हम जीतेंगे, अगर हमारे पार्टनर को मिलेगा उसको हम जीता देंगे, तो 20 सीट के लिए हम हर हालत में तैयार हैं। और वैसे अन सीट पर भी हम लोगों की भूमिका है, आप जानते हैं कि शेड्यूल कास्ट एज ए होल, हालांकि ये बड़ी बात है, पता नहीं कैसे इसको ये कीजिएगा, आज के संदर्भ में बिहार में एटलीस्ट शेड्यूल कास्ट के जितने भी लोग हैं वो अब रामविलास पासवान जी को अपना नेता नहीं मानते हैं,